Hello my friends, I'm Sunny Gupta. As you know that I teach you how to speak English. So, मैं आज आपको उससे बात करना ये चाहता हूँ कि मैं बहुत समय से कोई वीडियोस नहीं अपलोड किया हूँ और मैं आप लोगों को किसी तरह की अच्छी कंटेंट में नहीं दे पाया हूँ बहुत दिनों से, ताकि और तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं अब्सेंट था। अब मैं आ गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ बना के रखूँ और मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूँ, ताकि आप लोग सीख के उस कंटेंट से अपनी लाइफ को और अपनी इंग्लिश को दोनों को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग को बोलना होता है कितने बार, जैसे लोग कहते हैं आप कितने बार खाते हो, आप कितने बार वहाँ जाते हो, वह कितनी बार तुमसे बात करती है, तो इस तरह के संज्ञा को हम लोग कैसे बनाना सीखेंगे, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं। सो लेट्स गो स्टार्टेड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हूँ, जैसे देखिए हाउ ओपन, आप देख सकते हैं हाउ ओपन कहने का मतलब कितनी बार, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप जानते हो उतना, उसके बाद ये यहाँ पे सब्जेक्ट लिखती है और फिर यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना कि वर्ब वन। इसको हम लोग वर्ब वन नहीं कहेंगे, वर्ब वन और वर्ब टू नहीं कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग आना नहीं बोलेंगे, और यहाँ वर्ब के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है ये, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद अगर आप कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली फिर आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक दो सेंटेंस को यूज करके क्या कि ये कैसे सेंटेंस में यूज होगा, हाउ कैन वी यूज इट इन सेंटेंसेस, देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख चुका हूँ और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, ताकि और इसको बोलिए मेरे साथ आप बोलिए, ताकि आप इसको समझ पाए अच्छे तरीके से। देखिए हाउ ओफन डू यू गो देयर यानी कि आप कितनी बार वहाँ पे जाते हैं, आप कितनी बार वहाँ पे जाते हैं। फिर देखिए हाउ ओफन डज सी टॉक टू यू यानी कि वो आपसे कितनी बार बात करती, इसको देखिए क्या, हाउ ओफन डज राम टेक टी, राम चाय कितनी बार पीता है, राम चाय कितनी बार पीता है। अगर आपको मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम दिन भर में कितनी बार चाय पीते हो, हाउ ओफन डू यू टेक टी अ डे, सच पर बात को आप इस तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल सप्ताह में कितनी बार जाते हो, हाउ ओफन डू यू गो टू स्कूल अ वीक, ऐसे आप बोल सकते हैं। और देखिए सेंटेंस क्या है, हाउ ओफन डू यू वॉच माई वीडियोज, आप कितनी बार मेरे वीडियो को देखते हैं। तो आई होप कि आप लोग कई बार मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई वॉच योर वीडियोज मेनी टाइम्स। तो इस तरीके से आप लोग हाउ ओफन का यूज करेंगे, इस तरीके से आप लोग हाउ ओफन का यूज डेफिनेटली करेंगे। आई एम टॉकिंग टू यू दैट यू विल यूज इन सच ए मैनर, हाउ ओफन डज सी गो देयर, हाउ ओफन डू आई ईट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं और अपने इंग्लिश को एनहेंस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए और बोलना स्टार्ट कीजिए अपने हर रोज की जिंदगी में, ताकि ये बहुत ही रिलेटेड है, आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो टिल द टाइम यू स्टडी योर सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज फॉर यू, ओके। सो